हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम व्यूअर्स। तो आज जो है आप लोगों के सी वर्ड्स की नेक्स्ट क्लास, मेरे ख्याल से आज जो है आप लोगों की क्लास नंबर 3 है। इसमें जो है हम लोग अभी कम से कम 2 क्लास और कर लें सी वर्ड्स में। इसके बाद जो है हम लोग फिर नरेशन पढ़ेंगे, मे बी थर्सडे या फ्राइडे से नरेशन स्टार्ट करेंगे। वॉइस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल से उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने अच्छे से। आप लोग जो है वॉइस जिसको प्रैक्टिस करनी हो, अच्छे से डिटेल से पढ़ना हो, वो जाके पढ़ सकते हैं। अब नरेशन हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। आज जो है फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे सी वर्ड्स, सी वर्ड्स की क्लास नंबर 3। वन बाई वन हम लोग एक एक चीज़ जो है अपने सिलेबस के कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार सब लोग चैनल से जुड़ जाओ फटाफट, खूब चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन्हें उन्हें क्लास की नोटिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक बड़ी प्यारे से मोटिवेशनल कोटेशन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। डेली आप लोगों के लिए एक बढ़िया मोटिवेशनल कोटेशन लाता रहता हूं, कि जिससे आप लोग जो है एक बड़ा प्यारा सा मोटिवेशनल कोटेशन आप लोगों के लिए। बड़ा प्यारा सा मोटिवेशनल कोटेशन आप लोगों के लिए, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, अगर ऐसा होता तो सब कामयाब होते। कुछ लोग होते हैं ना, घर बैठे बैठे इमेजिन करते रहते हैं कि बस सफल हो जाऊं, कैसे भी करके ना अच्छी सी जॉब मिल जाए, खूब अच्छे से बिजनेस चल जाए, बस कुछ करना ना पड़े, है ना। तो इसलिए सफलता जो है केवल सोचने से नहीं मिलती, उस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आप लोग भी खूब हार्ड वर्क कीजिए और अपने लाइफ में खूब सफल बनिए। वॉइस वगैरह आप लोगों को आ रही है अच्छे से? वॉइस इज ओके। सफलता जो है ऐसे नहीं मिलेगी, आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आज का मेरा फर्स्ट वर्ड होगा ना कार्टोग्राफी। एक बार देखते हैं कौन कौन से लोग चैनल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मधु सिंह जी, सुधांशु, रूबी जी, पिंकी, डॉक्टर साहब, हमारे सभी का वेलकम, सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज का मेरा फर्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्टोग्राफी। ये सब वर्ड ऐसे हैं ना कि आप सबको जानना चाहिए, है ना। कार्टोग्राफी यूज कैसे होता है भाई? नाउन की तरह ये वर्ड यूज होता है, और इस पे आप लोग स्टार बना लीजिए डबल, है ना। कार्टोग्राफी, है ना, कार्टोग्राफी। प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना। कार्टोग्राफी का मतलब होता है ना मैप बनाना, मैप बनाना, मानचित्रण करना, ठीक है। मैप बनाना या मानचित्रण करने को हम लोग बोलते हैं नक्शा नवीसी। देखो ये पूरा नक्शा नवीसी हो रखी है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नक्शा नवीसी या मानचित्रण। कुछ स्टूडेंट है ना, वो 2-3 वर्ड निकल जाती है तब क्लास में जुड़ते हैं, है ना, जब 2-3 निकल जाएगा तब। कार्टोग्राफी, द आर्ट आर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आर मेकिंग मैप्स। मैप बनाने की एक कला जो होती है ना, उसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आया है। मैप बनाने की एक जो आर्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कैसे याद, कैसे मेमोराइज करना है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कार्टून, और यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ। तो पहले जो है कार्टून का ग्राफ बनाते थे, और अब कार्टोग्राफी बनाते हैं, है ना। पहले कार्टून का ग्राफ बनाते थे, ठीक है, और अब कार्टोग्राफी बनाते हैं, ठीक है। पहले कार्टून का ग्राफ बनाते थे, और अब कार्टोग्राफी बनाते हैं, मानचित्र। हाँ बिल्कुल सही लिखा राधिका जी, विपिन जी, ठीक है। कार्टोग्राफी सबको अच्छे से मेमोराइज हो गया। देखो इसका यूज कैसे हुआ है न्यूज़पेपर में, द कार्टोग्राफी ऑफ इंडिया, द कार्टोग्राफी ऑफ इंडिया बिगिंस। देखो कोई भी न्यूज़पेपर कभी भी लिखा जाएगा वो परमानेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है, ठीक है।
हाँ आर्ट का ग्राफ लेकर बनाना। आजकल मेहंदी लोग बनाए हैं ना, ऐसे ऐसे मेहंदी लोग लगाए हैं कि भाई देख के आदमी घबरा जाए। विद अर्ली चार्ट्स फॉर नेविगेटिंग एंड कंस्ट्रक्शनल प्लान फॉर बिल्डिंग। देखो यहाँ पे पूरा कार्टोग्राफी, ये देखो कितना अच्छा मैप बना रहे। तो मैप बनाने की एक कला जो होती है ये कार्टोग्राफी है, ठीक है। मैप बनाने की एक कला को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड हमारा है कैरियन। देखो कैरियन का मतलब होता है ना, देखो इमेज से ही आप लोगों को लग रहा होगा कुछ, जो कोई पशु है मर गया और वो दो चार दिन मरे हो जाए उसको, है ना, तो वहां के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैरियन। सड़ा हुआ मांस, है ना, कैरियन का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ मांस जो दो चार दिन का हो गया हो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, सड़ा हुआ मांस, ठीक है। कैरियन ये भी यूज होता है नाउन की तरह, नाउन की तरह ही इसका भी यूज किया जाता है कैरियन वर्ड का। द डिकेइंग डेड फ्लेश ऑफ एन एनिमल क्रोज फीडिंग ऑन कैरियन। क्लोज क्या खा रहे हैं भाई, क्लोज को क्या खिलाया जा रहा है, कैरियन खिलाया जा रहा है। अच्छा फ्लेश वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्लेश बड़ा सिंपल सा वर्ड है। वंशिका जी गुड आफ्टरनून, वंशिका भाई वंशिका का पेपर है क्लाइट का, खूब सिंसियर होके अच्छे से पढ़ रही हैं और पक्का है कि हो जाना चाहिए इस लड़की का, बहुत अच्छी लड़की है पढ़ने में, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड है कैरियन, सड़ा हुआ मांस, ठीक है, सड़ा हुआ मांस नाउन की तरह यूज होता है। फ्लैश का मतलब बता दो, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ना बता पाओ फिर मैं बताऊँ, ठीक है। फ्लैश, फ्लैश का मीनिंग आप लोग बता दो फटाफट। तो देखो यहाँ कैरियन से एक चीज आपको निकल क्या रहा होगा ना, कैरियन से निकल क्या होगा, कोरिया। तो कोरिया के जो लोग हैं ना, सभी लोग नहीं कुछ लोग, कोरिया, कोरिया एक कंट्री है ना, कोरिया के कुछ लोग कैरियन मांस खा जाते हैं, ठीक है, कैरियन मांस खा जाते हैं, सड़ा हुआ मांस खा गए कोरिया के कुछ लोग, ठीक है। कैरियन गजानन रोटिंग फ्लैश, हाँ फ्लैश बता दो, हाँ रोटिंग फ्लैश बिल्कुल सही है, रोटिंग फ्लैश आप लोग टाइम से जुड़ा कीजिए। देखो फ्लैश का मतलब होता है ना एक मांस ही होता है, ठीक है, फ्लैश का मीनिंग भी मांस होता है। इसको जो है और हम लोग कुछ कह सकते हैं रद्दी या चर्बी, इसको भी हम लोग मांस ही बोलते हैं, फ्लैश को चर्बी भी इसको बोलते हैं, चर्बी जिनको ना समझ में आए, या रद्दी बोलते हैं, रद्दी फ्लैश, ठीक है, फ्लैश। अच्छा आज का वर्ड ऑफ द डे मेरा है डेसीमेट, वर्ड ऑफ द डे, मैं डेली डेली वर्ड ऑफ द डे पूछता रहता हूँ ना, डेसीमेट और एनाइलेट, एनाइलेट फटाफट इस दोनों का आप लोग मीनिंग बताएंगे। और थर्ड है थम्पिंग, जल्दी जल्दी लिख के आप लोग इसको भेज देंगे तीनों वर्ड को, डेसीमेट एनाइलेट थम्पिंग, है ना, फटाफट सब लोग भेज देंगे इसको। कैस्केड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार बना लो इस वर्ड पे, कैस्केड, कैस्केड देखो इमेज से ही आप लोगों को लग रहा होगा, कैस्केड, कैस्केड हाँ मांस होता है, डेड स्किन, वाह बिल्कुल सही लिखा भाई, डेड स्किन होता है। कैस्केड नाउन की तरह यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है और हिंदी में मतलब इसका होता है झरना, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है, झरना होता है, वाटरफॉल इसको हम लोग बोलते हैं। वाटर दैट फ्लोज डाउन द साइड ऑफ ए माउंटेन ईटीसी, कहीं से जो पानी गिरता है ना किसी माउंटेन वगैरह से, उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। देखो अगर पढ़ाने की बात हो, जैसे लोग 600 वर्ड 700 वर्ड 500 वर्ड पढ़ा के ना कंप्लीट कर देते हैं, वैसे ना पढ़ना चाहिए ना वैसे पढ़ाना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी है, एक सर जो है एक बार यूट्यूब पे बोल रहे थे, एक मिनट आप लोग सुन लीजिए, क्लास के बीच में आप लोगों को डिसरप्ट कर रहा हूँ, एक सर एक बार यूट्यूब पे बोल रहे थे कि 175,000 वर्ड जो है अभी तक लेक्सिकोग्राफर ने खोज रखी है, तो कितने वर्ड पढ़ाए जाएं। ये सब कह के जो है लड़कों का दिमाग केवल लोग क्या करते हैं ना, भ्रमित करते हैं, ठीक। मैं कहता हूँ जो पेपर सेटर है ना, या जो एक सर्वे है उसमें ये कहा गया है कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम 6,000 वर्ड ही किसी को याद हैं, जो परमानेंट याद रहते हैं और जो यूज किए जाते हैं।
तो उस 6000 वर्ड पे हमें फोकस करना है, ना कि 171000 वर्ड पे, ठीक है। तो आप लोग बहुत बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना, तो ढाई तीन महीने में ना इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है कैस्केड, वाटर फ्लोस पूरा लिखा हुआ है, वाटरफॉल, टोरेंट, टी में ये वर्ड आप लोगों ने किया था, टोरेंट, टोरेंटो में टोरेंट आ गई है, बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, रैपिड, कैस्केड, तो कस के बहने वाला झरना, यहाँ पे देखो कस के बहने वाला झरना कैस्केड है, ठीक है, कस के बहने वाला झरना कैस्केड, ठीक है, जो खूब तेजी से बहे, वाटरफॉल बोलते हैं इसको, वाटरफॉल, एनाइलेट, संहार करना किसी का, ठीक है, बिल्कुल सही, एनाइलेट, बड़ी संख्या में मारना, डेसीमेट, है ना, डेसीमेट, बड़ी संख्या में मारना, एनाइलेट, स्टडी टू सेव ऑन द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी मस्ट कैस्केड डाउन टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, क्या करना है भाई, उजाड़, प्रवेश, थंपिंग, वाह, देखो अभी इंडिया ने जो है श्रीलंका को हराया, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर में या न्यूज में थ्री वर्ड्स देखे होंगे, डेसीमेट, एनाइलेट, डिमोलिश, क्रश, इंडिया ने भाई श्रीलंका को क्या किया, या तो डेसीमेट किया, या डिमोलिश किया, या क्रश किया, और जो इंडिया की विक्ट्री है वो कैसी विक्ट्री है, थंपिंग विक्ट्री है, बड़ी धमाकेदार विक्ट्री है, थंपिंग विक्ट्री है, और जो श्रीलंका के विकेट गिरे वो कैसे, क्रम्बल, क्रम्बल एक वर्ड है ना, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ विकेट गिरे श्रीलंका के, क्रम्बल, ये सब वर्ड आप आगे पढ़ेंगे, जो श्रीलंका के विकेट गिरे ना वो क्रम्बल डाउन हो गए, एक के बाद एक के बाद एक बार धड़ाधड़ जल्दी जल्दी सब विकेट गिर गए, तो ये सारे पाँच छः वर्ड ना श्रीलंका मैच से आप लोगों को अच्छे से न्यूज़पेपर में मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कास्टिगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार बना लीजिए इस वर्ड पे भी, कास्टिगेट, कास्टिगेट, है ना, देखो कास्टिगेट का जो यूज होता है ना वो वर्ब की तरह होता है, और हिंदी में इसका मतलब होता है दंड देना, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, दंड देना, किसी को पनिश करना, देखो यहाँ पे टू क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली अपोज और पनिश समबॉडी, किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को पनिश करना, सीवियरली, बहुत तेज, बहुत ज्यादा तरीके से, ठीक है, देखो आर में ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, रेप्रीमेंड, रिपेयर करने वाले मैन का रेप्रीमेंड करते हैं, डांटते हैं, रिब्यूक, रिब्यूक को हम लोग रिब्यूक कर रहे हैं, डांटना, एडमोनिस, मनीषा की एड को एडमोनिस करते हैं, डांटना, चाइड, हाइड नहीं है, चाइड, डांटना, अपब्रेड, हैस्टाइज, ये सारे वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, जो नए लड़के हैं दो महीने बाद वो भी सारे पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो देखो कास्टिगेट, कास्ट, और यहाँ पे दिख रहा है गेट, ध्यान से देखो आप, यहाँ दिख रहा है गेट, यहाँ पे दिख रहा है कास्ट, तो गेट पे ना अगर कोई कास्ट की बात करेगा, आपके गेट पर कोई आया, गेट पर आया और कास्ट की बात कर रहा है ना, और कास्ट की बात कर रहा है तो उसे कास्टिगेट करेंगे, ठीक है, तो उसे कास्टिगेट करेंगे, है ना, अगर कोई कास्ट की बात कर रहा है, हाँ वाह, एनाइलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना किसी को, एनाइलेट मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करना, बिल्कुल सही लिखा, अगर गेट पे कोई कास्ट की बात करेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कास्टिगेट करेंगे, उसे हम लोग डांटेंगे, पनिश करेंगे, दंड देंगे, क्लियर है, देखो यहाँ पे कैसे यूज हुआ है हिंदू पेपर में, टॉप न्यूज ऑफ द डे, इंडिया टीम जो है, जो अभी अपोजिशन इस समय जो है ना, वो इंडिया टीम बना रही है, कास्टिगेट स्टेट्स सेंटर फॉर वायलेंस इन मणिपुर ब्लास्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिकल रैली किल्स द लिस्ट एटलीस्ट 35 एंड मोर, कास्टिगेट कर रहे हैं ना, इंडिया टीम कास्टिगेट्स स्टेट, देखो इतने लोग हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कास्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, कास्टिगेट, क्लियर है, नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड हमारा है कैटाक्लिज्म, प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा ध्यान देना, कैटाक्लिज्म का मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, फ्लड कहीं आ जाए ना,
फ्लड, जो फ्लड कंडीशन होती है ना, पानी की बाढ़ या पृथ्वी प्लाव बोलते हैं, पानी की बाढ़ या पृथ्वी प्लाव। बहुत ज़्यादा हिंदी पे ध्यान नहीं देना, बस फ्लड पे ध्यान देना है। फ्लड इसका मतलब होता है, ठीक है। ये डिजास्टर आर ए सडन वायलेंट इवेंट दैट काजेज ग्रेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आर वार, फ्लड हो गया या कहीं वार हो गया, उससे बहुत बड़ी चेंज आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाक्लिज्म बोलते हैं, कैटाक्लिज्म। देखो यहाँ पे कैटाक्लिज्म, यहाँ पे एक चीज आपको देखो निकल के आ रहा होगा ना, क्लैट, और यहाँ पे निकल के आया कल, क्लैट और कल, है ना। तो कल जो है क्लैट के पेपर में, कल क्लैट के पेपर में सभी बच्चों का कैटाक्लिज्म हो गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई, ठीक है, कैटाक्लिज्म हो गया, ठीक है। कल क्लैट के पेपर में सभी बच्चों का कैटाक्लिज्म हो गया, ठीक है, कैटाक्लिज्म, हालत खराब हो गई सबकी, ठीक है, कैटाक्लिज्म, बिल्कुल तबाही आ जाना, है ना, बिल्कुल बाढ़ आ जाना। फैटलिटी, फैटलिटी, अच्छा देखो फैटल, आप लोगों को मैंने एक वर्ड पढ़ाया था फैटल, एक्सीडेंट, और वो भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मृत्यु निश्चित हो, वहाँ के लिए फैटल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। फैटल, ऐसा एक्सीडेंट जहाँ पे मृत्यु निश्चित हो उसको फैटल कहते हैं। डिबाकल, डिबाकल मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे फटाफट कमेंट करके, बताओ भाई सब लोग बताओ डिबाकल, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। कोई जो है कैटापुल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार बना लो आप लोग इस पे, कैटापुल्ट डबल स्टार बना लो, और डिबाकल का आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, है ना। एडमोनिस का बिल्कुल सही लिखा है, कैटापुल्ट। देखो कैटापुल्ट का यूज जो होता है ना वो नाउन की तरह होता है। अभी जो है इस क्लास की टाइमिंग में धीरे धीरे करके ना बढ़ा के दो ढाई घंटे करूंगा, जिसमें वन एंड हाफ आवर केवल वोकैब चलेगी, वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन और प्लस PQRS, और वन आवर डेली चलेगी ग्रामर। अगले महीने से विचार है कि ढाई घंटे की इस क्लास को किया जाए कैटापुल्ट। उससे बेनिफिट यह होगा कि चाहे क्लैट का लड़का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे CSAT का हो, SSC बैंक किसी का भी हो, एक कंप्लीट सिलेबस उसको जो है 3-3.5 महीने में मिल जाएगा, अगर ढाई घंटा डेली क्लास चलेगी तो, है ना, कैटापुल्ट। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैट, और यहाँ पे दिख रहा है पुल, कैट पुल। देखो ये कुछ ये आपको डिजाइन को दिख रही, कितने लोगों ने इसको देखा है भाई, इसको बोलते हैं गुलेल, कितने लोगों ने इसको देखा है गुलेल को। तो कैट को पुल करके दूर फेंक दिया, ये चीज क्या है, कैटापुल्ट है ना, कैट को पुल करके दूर फेंक दिया तो ये चीज कैटापुल्ट है, ठीक है। कुछ इस टाइप का जो होता है ना, पराभो, पराजय, बिल्कुल सही लिखा है। डिबाकल का मतलब होता है कंप्लीट डिजास्टर, डिबाकल, डिबाकल, डी में ये वर्ड मैंने कराया था आप लोगों को, कंप्लीट डिजास्टर उधर पूरी तरह से पराजय। स्लिंग शॉट, कई बार जो है सिनोनिम्स में ये वर्ड पूछा गया है। हर्टल, एच में ये वर्ड मैंने कराया था, हर्टल, लेट लूज, कैटापुल्ट। देखो कैसे यूज हुआ है कैटापुल्ट का, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट टू कैटापुल्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कैटापुल्ट इंडिया एज द डिजिटल एंड टैलेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर है। देखो ऐसे न्यूज़पेपर में ये सब वर्ड आते हैं और आप लोग वहाँ एक वर्ड के चक्कर में पढ़ के समझ नहीं पाते हो। ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट है वो इंडिया के डिजिटल मार्केट को क्या कर रहा है, कैटापुल्ट कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर लड़के ना जानते हो, पहले तो बात कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग ना जानते हो तो डबल स्टार बना लें, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट। देखो कैटरेक्ट जो होता है ना, ये एक एज बढ़ने के साथ या बहुत लोगों को बहुत कम उम्र में ही आँखों में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है मोतियाबंद, मोतियाबिंद, है ना। तो मोतियाबिंद की बीमारी को जो है हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। इसका यूज होता है नाउन की तरह, इसका यूज क्या होता है, नाउन की तरह, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मोतिया
बिंद, कितने लोगों को पहले पता था ये मोतियाबिंद की बीमारी। मोतियाबिंद की बीमारी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो गजानन जी क्लास से हमारे जुड़े हैं और मैं बिल्कुल अश्योर करता हूं आपको कि अगर आपका पेपर 3 मंथ में होने वाला है तो बुकैब आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट से पढ़ लो, है ना, बाकी ग्रामर भी लगभग लगभग कंप्लीट है, आप देख लो, कोई भी टॉपिक आपकी अनटच ना रहे। और मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर आप ठीक से कर लोगे जितना मैं करा रहा हूँ तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपको गलत एक भी नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना। कैटरेक्ट, देखो ये मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द लेंस ऑफ आईज एंड कॉजेज ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट, ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट, है ना, ओपेसिटी बोलते हैं, कैस्केड डाउनपोर वाटरफॉल टोरेंट। तो दो मतलब होता है इसका, एक तो होता है मोतियाबिंद की बीमारी और एक दूसरा मतलब जो इसका होता है ना वो कुछ झरना टाइप का होता है, ठीक है, दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, झरना, दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, झरना, एज डिफिशियंसी, हाँ एज डिफिशियंसी है, सही है, कभी कभी जल्दी उम्र में भी हो जाता है ये। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, तो देखो कैट यहां पे आपको दिख रहा ना, कैट और यहां पे दिख रहा रैट, कैट और रैट, कैट और रैट, ये दोनों थे दोस्त भाई, कैट और रैट दोनों को जो है, दोनों को कैटरैक्ट की बीमारी थी, कैटरैक्ट की बीमारी थी और दोनों निकल गए घूमने, है ना, और दोनों कैटरैक्ट में गिर गए, और दोनों कैटरैक्ट में गिर गए, ठीक है, समझ में आया क्या लिखना चाह रहा हूं, कि दो मित्र थे चूहा और बिल्ली और दोनों को संयोग से बीमारी हो गई कैटरैक्ट की, मोतियाबिंद की, लेकिन दोनों निकल पड़े घूमने तो कैटरैक्ट में गिर गए, कहीं झरना था उसमें दोनों गिर गए, ठीक है, तो दो मतलब हुआ, दोनों का लिंक यहाँ पे निकल के आया कैटरैक्ट। एस वर्ड जो है गजानन जी आपको मेमोराइज करना है, पूरी 14 क्लास में मैंने पढ़ाए हैं एस वर्ड, प्लेलिस्ट बना है और जिस दिन आपका याद हो जाएगा मुझे कमेंट करके बताना, 4-6 वर्ड मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, 4-6 वर्ड मैं आपसे पूछूंगा, मैं देखूंगा कि आपको मेमोराइज हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, जल्दी से 2 से 3 दिन में उसको आप पढ़ लोगे, उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है, और PDF ना हो आपके पास तो भी आपको भेज दूंगा। अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड, कैटरेक्ट से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, बिल्कुल डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से लिखा हुआ है कैटरेक्ट। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड हमारा है कैटेस्ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार बना लो इस पे भी भाई, कैटेस्ट्रॉफी, देखो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है ना आपत्ति, आपत्ति, कोई प्रॉब्लम हो, किसी दिक्कत में हो आप लोग, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी, आपत्ति, दुर्गति जिसको बोलते हैं, ठीक है, दुर्गति, है ना, कोई परिणाम हो और वो परिणाम जो है निगेटिव हो, वो परिणाम जो है निगेटिव हो, कोई रिजल्ट आए और वो रिजल्ट निगेटिव हो तो उसको हम लोग कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, बहुत ज्यादा सफरिंग, बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं। मेजर कैटेस्ट्रॉफी सच फ्लड्स एंड अर्थक्विक्स, बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा अर्थक्विक आ गया तो उसके लिए कैटेस्ट्रॉफी वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है, उसके लिए कैटेस्ट्रॉफी वर्ड का। तो यहां पे देखो कैट और यहां पे दिख रहा है ट्रॉफी, कैट ट्रॉफी, अब पता चला मैच हो रहा है, अब मैच में सबकी नजर किस पे है, ट्रॉफी पे, कि अभी मैच जीतेंगे ट्रॉफी पाएंगे, अब कहीं कैट आई और उस ट्रॉफी पे कूद गई, कैट ट्रॉफी को गिरा दिया, ट्रॉफी गई टूट, तो क्या हो गया भाई, कैटेस्ट्रॉफी आ गया, क्या आ गया, कैटेस्ट्रॉफी, कैट ने ट्रॉफी को गिरा दिया, तो ये चीज क्या है, कैटेस्ट्रॉफी है, ये चीज क्या है, कैटेस्ट्रॉफी, ठीक, कैट ने ट्रॉफी को गिरा दिया तो ये चीज क्या है, कैटेस्ट्रॉफी है, आपत्ति,
परिणाम बुरा परिणाम, ठीक है। कोई ऐसी घटना, कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, उस एग्जाम में एक्सपेक्टेड था कि आप इंडिया टॉप करेंगे और गलती से रिजल्ट नहीं आया, है ना। वैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति का काम सिर्फ एक्शन करना है, काम करना व्यक्ति का मेन उद्देश्य होना चाहिए, रिजल्ट जो है वो उसके हाथ में होता नहीं है, बस काम को बिल्कुल पॉजिटिव होके और अच्छे से करना चाहिए, बिल्कुल मन से, है ना। रिजल्ट जो है वो मेरे हाथों में है, वो जीतेगा हारेगा, पास होगा फेल होगा, ये मैं जानता हूँ, ये उसका काम ही नहीं है। इसलिए उस चीज़ को लेके तो किसी स्टूडेंट को कभी प्रेशर में आना ही नहीं चाहिए, क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम करना चाहिए, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफी, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट विल बी ए कैटेस्ट्रॉफी इफ आई फेल द एग्जाम अगेन। अगर दोबारा एग्जाम में फेल हुए तो क्या होगा, कैटेस्ट्रॉफी होगा। पूरा डिटेल्स इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो यहाँ पे यूज कैसे किया गया है कैटेस्ट्रॉफी वर्ड का। पंजाब फ्लड कैटेस्ट्रॉफी, पंजाब में फ्लड आया और ये क्या है भाई, ये कैटेस्ट्रॉफी है। पंजाब में जो फ्लड है ना, ये कैटेस्ट्रॉफी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, इससे बहुत बुरा हाल है। वेयर इज द गवर्नमेंट लीडर्स ओनली कमिंग टू क्लिक फोटोज फॉर सोशल मीडिया, एंगर ग्रोज एज फ्लड सिचुएशन वर्सन। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और जो लीडर है ना, वो जहाँ देखे ज़्यादा पानी खड़े होकर फोटो खिंचवा लिए कि हम भी गए थे, है ना। तो लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, क्लियर है। देखो यहाँ पूरा फ्लड फ्लड आ रखा है। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड हमारा है कैट काल। कैट काल, है ना, देखो सिंपल सा देखने में लग रहा है कैट काल। ये वर्ड कभी कभी ना इडियम्स में भी पूछा गया है, लेकिन एक्चुअल में इडियम्स है नहीं, है ना। नाउन जो है नाउन की तरह इसका यूज होता है, और कैट काल का मतलब होता है ना शोर मचाना, शोर मचाना। अच्छा बताओ, अगर किसी गांव में, किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में अगर बिल्ली जो है किसी को काल करने लगे, फोन पे बतियाने लगे, तो पूरे मोहल्ले में शोर मचेगा कि नहीं मचेगा? मचेगा शोर ना। तो ऐसे ही जो है विसल बोलते हैं इसको। ये बू वर्ड आप लोग याद कर लेना, बू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बू वर्ड कई बार एग्जाम में आया है। ये नॉइज आर साउट एक्सप्रेसिंग एंगर आर ए डिसअप्रूवल ऑफ समबॉडी स्पीकिंग आर परफॉर्मिंग पब्लिक। तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है कैट और यहां पे दिख रहा है काल, कैट कॉल, है ना, ये सी है यहां पे, ध्यान देना, कैट कॉल है ये, ठीक, ये सी है यहां पे, ध्यान देना आप लोग, छूट गया है, कैट कॉल, ठीक है, कैट कॉल। तो कैट जो है, कैट से, कैट का पहले एक एग्जाम होता था कॉमन एडमिशन टेस्ट, और वहां से कॉल लेटर आया है, तो पूरे गांव में ना कैट कॉल मच गया, पूरे गांव में शोर मच गया है। कैट से काल आने पर पूरे गांव में कैट काल मच गया। अच्छा, बहुत जल्दी कोई जल्दी कहीं ऐसे सिटी में तो नहीं पता चलता, लेकिन गांव में जो है अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाए, कोई लड़का यूपीएससी निकाल ले, कोई क्लैट में एडमिशन पा ले, या कोई कुछ ऐसे पीसीएस में हो जाए, तो देखो कैसे हल्ला मचता है, पूरे गांव में शोर मच जाता है, ठीक है, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैट काल, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड हमारा है कैटेकिज्म। अच्छा देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑक्सफोर्ड में कैटेकिज्म दिया है, और जो कुछ डिक्शनरी है ना उसमें कैटेचिज्म दिया हुआ है, कहीं चिज्म है कहीं किज्म है, तो जो भी आप लोगों की समझ में आए आप लोग जो है इसको समझ लीजिए। कैटेकिज्म इसका मतलब होता है प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन करते हैं लेकिन धर्म संबंधी, रिलीजन से रिलेटेड जहां प्रश्नोत्तरी होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहां के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है धर्म से संबंधित, ठीक है। जहां धर्म से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं वहां के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैटेकिज्म। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर दैट आर यूज्ड फॉर टीचिंग पीपल अबाउट द बिलीफ्स ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। क्रिश्चियन चर्च भी धार्मिक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कैटेकिज्म, ठीक है। तो यहां पे देखो कैटेकिज्म, तो यहां पे कैट से आपको निकल के आएगा कैथोलिक, है ना, और यहां पे किज्म से लिखो टीच, टीच एक वर्ड दिख रहा है ना, टीच, तो कैथोलिक के बारे में टीच करने के लिए ना कैटेकिज्म कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं कैथोलिक धर्म के बारे में, कैथोलिक
कैथोलिक धर्म के बारे में टीच करने के लिए कैटेकिज्म कर रहे हैं। ठीक, कैटेकिज्म। नेक्स्ट वर्ड हमारा बड़ा प्यारा सा है, कैटागोरिकल। डबल स्टार बना लो इस वर्ड पे। मेरे इस बैच में दो स्टूडेंट जो परमानेंट जुड़े रहते हैं वो पीसीएस का, उनको मेंस लिखना है, और एक स्टूडेंट जो है जो विशाल जी कभी कभी जुड़ते थे उनको भी पीसीएस का मेंस लिखना है, अलीगढ़ उनका सेंटर है। एक लोग जो है महाराष्ट्र से, उनको भी पीसीएस का मेंस लिखना है, और किसी को क्लैट लिखना है, ठीक है, और किसी को जो है एसएससी का भी सीजीएल और सीपीओ का प्री मेंस लिखना है। तो सारे लड़के बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में कि जितने भी लड़के हैं ना सब कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, कैटागोरिकल बड़ा अच्छा सा वर्ड है, कैटागोरिकल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो कैटागोरिकल का मतलब होता है सुस्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, सुस्पष्ट, है ना, एकदम क्लियर। क्लियर जो चीजें होती है ना उनको कैटागोरिकल बोलते हैं। एक्सप्रेस्ड क्लियरली, कोई चीज बिल्कुल एक्सप्रेस क्लियरली किया जाए, एंड इन ए वे दैट शोज दैट यू आर श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हैं ना ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो। द टोटली एंड कैटागोरिकली डिनाई ऑफ द चार्जेस, जो चार्जेस थे, जो आरोप थे उनको क्या किया, टोटली डिनाई कर दिया, जो भी आरोप थे उनको टोटली क्या कर दिया, कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है बिल्कुल एब्सोल्यूट, एक्सप्लिसिट, ई में यह वर्ड आप लोगों ने किया था एक्सप्लिसिट वर्ड, अनक्वालिफाइड, अनट्रीटेड। अब देखो इसको हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे, देखो कैटागोरिकल से एक चीज आपको दिख रहा होगा, कैटेगरी, है ना, कैटागोरिकल से आप लोगों को, हाँ लखनऊ सेंटर पड़ा, देखो इनका विशाल का सेंटर अलीगढ़ पड़ा है ना, वंशिका का भी जो है पड़ेगा दिसंबर में, 3 दिसंबर को, और इनका भाई साहब का महाराष्ट्र में हम खुद ही नहीं जानते कहाँ पड़ेगा, इनका सबका सेंटर पड़ेगा, सबको जॉब मिले यही हमारी सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है, कैटागोरिकल। तो कैटेगरी की बात, कैटेगरी की बात को बड़े कैटागोरिकल तरीके से करते हैं, ठीक है, बड़े कैटागोरिकल तरीके से करते हैं, कैटेगरी की बात को बड़े कैटागोरिकल तरीके से करते हैं, बड़े स्पष्ट तरीके से करते हैं, कैटागोरिकल, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखो कैसे यूज हुआ है ये वर्ड कैटागोरिकल, ईटिंग मनी, करप्शन एंड इट्स कैटागोरिकल। अच्छा एक चीज मैंने देखा न्यूज़पेपर में, इतना न्यूज़पेपर पढ़ा के आप लोगों को, अदर इन द लीकी इंडियन स्टेट, है ना, एक चीज आप लोगों को मैंने वर्ड ऐसे पढ़ा पढ़ा के देखा कि कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हो जो उसकी हेडिंग होती है ना उसमें पक्की बात है कि अगर 2 लाइन की हेडिंग है तो उसमें एकाध 2 वर्ड उसमें इतना खतरनाक डाल देता है कि जिससे डर के मारा लड़का ये समझ जाता है ना कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं आएगा, है ना, लड़का डर जाता है उस चीज़ से कि मुझे न्यूज़पेपर जो है पढ़ने में आएगा ही नहीं। तो यहाँ जो है ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये जो है पूरा 2018 का। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैथर्सिस, कैथर्सिस, प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना, कैथर्सिस, देखो इमेज से ही आप लोगों को लग रहा होगा कैथर्सिस, है ना, कैथर्सिस, कथा सुना के, इसका मतलब होता है ना हिंदी में इसका जो है बड़ा कठिन सा अर्थ है, भाव विरेचन बोलते हैं इसको हिंदी, इसका बड़ा कठिन है भाव विरोचन, इमोशनल टेंशन जो होती है ना उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, इमोशनल टेंशन के लिए इसका हिंदी वर्ड ज़्यादा कठिन है, हिंदी से अच्छा है कि इसका इंग्लिश ही आप लोग देख लो, इमोशनल टेंशन हिंदी में जो है इसको हम लोग बोलते हैं अतिसार या भाव विरेचन, भाव विरेचन, अतिसार या भाव विरेचन इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इसलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि इंग्लिश से इसका देख लो, इमोशनल टेंशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग।
फॉर एग्जाम्पल थ्रू प्लेज आर अदर आर्टिस्ट एक्टिविटीज भी आप गेटिंग रिड ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, रिड्यूसिंग सफरिंग, ईटीसी रिलीफ, प्योरिफिकेशन, रिलीज, क्लिनसिंग। तो देखो कैथारसिस, तो कथा सुन के ऋषि से क्या फील कर रहे हैं, कैथारसिस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन इनके अंदर आ गई है, ठीक है, कथा सुन के, कथा सुनकर ऋषि से कैथारसिस कथा सुन के ऋषि से क्या फील कर रहे हैं, कैथारसिस फील कर रहे हैं, कथावाचक, अरे वाह, हाँ ठीक है, कथावाचक ही कह दो, कुछ कह दो बस याद हो जाए। कैथलिक, देखो कैथलिक का मतलब होता है ना यूनिवर्सल, जो हर जगह मान्य हो, ठीक है, कैथलिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, सर्वमान्य, जो हर जगह मान्य हो, है ना, सर्वमान्य हो, उदार हो, लौकिक हो, सर्वमान्य, उदार या लौकिक, सर्वमान्य, उदार या लौकिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथलिक बोलते हैं, एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह, पूरा डिटेल दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, ऑल इम्ब्रेसिंग, वाइड वैरायटी, है ना, पूरे दुनिया में जो चीजें मान्य हो, यूनिवर्सल, हर टेस्ट आर प्रेटी कैथलिक, टेस्ट कैसा है भाई, प्रेटी कैथलिक है, चारों तरफ मान्य है, ठीक है, उदार है, लौकिक है, डाइवर्स, वाइड, इलेक्टिक। तो कैसे इसको हम लोग लिंक करेंगे, जो कैथलिक धर्म है ना, कैथलिक धर्म वो क्या है, चारों तरफ कैथलिक है, कैथलिक धर्म में कैथलिक, कैथलिक धर्म में कैथलिक है, ठीक है, कैथलिक है, चारों तरफ मान, सब मान, कथावाचक, क्लियर। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड हम देखते हैं, काकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इस पर डबल स्टार बना लो आप लोग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है काकस, काकस, देखो काकस का मतलब होता है मीटिंग, जो कहीं मीटिंग होती है ना उसके लिए काकस वर्ड का यूज किया जाता है, कोई जिसके लिए प्लेनरी भी एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बैठक या दल, बैठक या दल, देखो ये G20 की मीटिंग हो रही है ना, G20 की मीटिंग, काकस, है ना, ये मीटिंग ऑफ द मेंबर्स आर लीडर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये मीटिंग ऑफ द मेंबर्स आर लीडर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, चूज द रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स आर डिसाइडेड पॉलिसी, किसी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए जो मीटिंग की जाती है उसके लिए काकस वर्ड का यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है काकस, है ना, और यूज इसका होता है नाउन की तरह, काकस वर्ड का यूज होता है नाउन की तरह, और इसका देखो यहाँ पे दिया है पॉलिटिकल पार्टी सिनोनिम्स मीटिंग प्रिंटिंग कांग्रेस कन्वेंशन, कांग्रेस देखो सबसे अच्छा वर्ड है, बहुत बार सिनोनिम्स में पूछा गया है, कॉकस का सिनोनिम्स कांग्रेस है ना, कांग्रेस मेल से काम करना, काकस, काकस, तो काकस, काकस आप दो तीन बार कहोगे ना तो एक चीज आपको निकल के आएगी ना, फोकस, है ना, फोकस, तो किसी एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए ना, किसी एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए जो मीटिंग होती है ना वो क्या है, वो काकस है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए जो मीटिंग होती है वो क्या है, कॉकस है, कॉकस। अच्छा सब लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, अभी जो है बीजेपी जो रूलिंग पार्टी हमारे देश की है उसके अगेंस्ट में अपोजिशन जो है यूनाइट हुआ है, ठीक है, और उसने एक पार्टी का नाम दिया है उस यूनिटी का, उसका नाम है इंडिया, सभी लड़के इसमें GS पढ़ते हैं, आप लोग इंडिया का फुल फॉर्म लिख के भेजेंगे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, इस समय जो डेली डेली न्यूज़पेपर में आता है इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा,
आप लोग जो है लिख के भेजेंगे, है ना, इंडिया का फुल फॉर्म आप लोग लिख के भेजेंगे, क्लियर। आगे पढ़ते रहिए, लिख के भेजिए। कॉकस, सीनेट इंडिया कॉकस, सीनेट इंडिया कॉकस, देखो यहां पे दिया है ना, कॉकस टू पुश फॉर नेटो प्लस फाइव स्टेट्स फॉर इंडिया, दिया है ना, कॉकस, कॉकस मीटिंग हो रही है, इंडिया को नाटो में ज्वाइन कराने की बात हो रही है, ठीक है। कॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कॉक, देखो कॉक का मतलब होता है ना कि कहीं पे कुछ लगा के ना, जैसे कोई पार्ट है, मान लो उसमें कहीं होल हो गया है, उसको भरने को, उसको फिल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है नाव की सेंध भरना। क्या कहते हैं हम लोग, नाव की सेंध भरना, नाव की सेंध भरने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, कॉक। ये सील, सील करना, ये गैप ऑफ सीम विद कॉक टू फिल द होल्स, टू फिल द होल्स आर क्रैक्स इन समथिंग स्पेशली ए शिप, होल को या किसी क्रैक को जो है फिल करना, लेकिन स्पेशली कहाँ यूज किया जाता है इस वर्ड का, नाव के लिए, कोई नाव में अगर छेद हो गई है तो उसको कुछ चीजें लगा के उसको भरने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, कॉक, है ना, कॉक। तो एक आप लोग जब बचपन में पढ़ रहे होंगे क्लास में तो आपको दिख रहा होगा चाक, तो चाक डालकर काक को भरते हैं, जब चाक डालते हैं तो क्या होता है, काक को भरा जाता है, ठीक है, चाक डालकर, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, वाह बिल्कुल सही लिखा इंडियन, सब लोग एक बार पढ़ लो, है ना, इस चीज को, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, क्योंकि ये जो है कम से कम अभी 4-5 महीना निकलेगा, इंडिया इंडिया, आप लोग जान ही नहीं पाएंगे किस इंडिया की बात हो रही है, ये अपोजिशन पार्टी ने जो है एक नाम दिया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसको आप लोग ध्यान से इस वर्ड को मेमोराइज कर लो, क्योंकि अक्सर ये वर्ड 4-5 महीने निकलता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कास्टिक, कास्टिक, कास्टिक का मतलब क्या होता है, कठोर सा, स्ट्रिंजेंट टाइप के लोग होते हैं, उनको हम लोग कास्टिक बोलते हैं, ठीक है, कठोर, क्या बोलते हैं कास्टिक को हम लोग, कठोर बोलते हैं भाई, कठोर, और एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज अबाउट ए सबस्टांस एबल टू बर्न और डिस्ट्रॉय थिंग्स बाई केमिकल एक्शन, क्रिटिकल इन क्रूअल वे, ये कॉस्टिक रिमार्क्स, रिमार्क कैसा है भाई, कास्टिक रिमार्क्स है, अगर आपने कोई काम किया और कोई उस पर रिमार्क दे रहा है, अपना जो है कोई ओपिनियन बता रहा है, तो उसका ओपिनियन कैसा है, कॉस्टिक ओपिनियन है, कास्टिक, है ना, तो देखो यहाँ पे कास्टिक, तो घर बुला के कास्टिक सोडा की चाय पिलाई, देखो ये चाय पिला रहे हैं, ठीक है, घर बुलाकर कास्टिक रिमार्क देते हैं, ठीक है, कास्टिक रिमार्क देते हैं, बहुत कास्टिक, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कार्टराइज, देखो ये वर्ड जो है अक्सर न्यूज़पेपर में निकलते हैं, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, देखो ये डॉग, डॉग की इमेज भी मिल गई है, स्ट्रे डॉग की जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, जब किसी को काट वाट लेते हैं ना ये, तब पता चलता है, ठीक है, जलने का घाव या जलन, कार्टराइज का मतलब क्या है, हिंदी में क्या इसे बोलते हैं, जलने का घाव या जलन, जलने का घाव या जलन, जलने के घाव या जलन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टराइज बोलते हैं, यूज होता है इसका वर्ब की तरह, कैसे यूज किया जाता है भाई, वर्ब की तरह इसका यूज होता है, टू यूज ए केमिकल और हीट टू बर्न ए वाउंड, टू स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड और टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग बर्न्स, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है ना, जिससे जैसे कहीं घाव हो गया है तो कोई केमिकल का या किसी हार्ड चीज का यूज करके उस घाव को जलाते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटराइज बोलते हैं, देखो यहाँ बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग बर्न, जलन से जो
प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए काम किया जाता है, किसी वाउंड को स्कॉर्च करना, इसका एक सिनोनिम्स है सीयर करना, सैनिटाइज। देखो सीयर, एस में ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, ईयर के बाल जल गए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सीयर करते हैं। कॉस्टिक जो है किसी मंथ के लिए नहीं, अगस्त का मंथ ना, अगर हीट की बात करेंगे तो मगी कहा जाएगा, ठीक है, मगी कहा जाएगा, कॉस्टिक नहीं कहा जाएगा। चिपचिपी गर्मी होती है, ठीक, कौन सी गर्मी होती है, चिपचिपी सी गर्मी होती है, कॉट राइज। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइज और यहाँ पे दिख रहा है कुत्ता, काट, यहाँ पे दिख रहा है काटना, यहाँ पे दिख रहा है राइज। तो कुत्ते के काटने की प्रॉब्लम राइज हो रही है और उसको जो हम लोग क्या करते हैं काटने के बाद, कॉट राइज करते हैं, ठीक है। कुत्ते की पॉपुलेशन राइज हो रही है और उसके काटने पर कॉट राइज किया जाता है। नेक्स्ट मंथ से जो है करीब करीब 2.5 आवर की क्लास होगी, जिसमें 1.5 आवर केवल वोकेबलरी प्लस कम्प्रीहेंशन का एक अलग बैच स्टार्ट करूंगा और जो है ग्रामर का एक अलग बैच, जिससे आप लोगों को सफिशियंट टाइम मिल जाया करे, ठीक है, जिससे आप लोगों को सफिशियंट टाइम मिल जाया करे। देखो नेक्स्ट हमारा बड़ा प्यारा सा वर्ड है कैवलकेड। कितने लोगों को आता है इस वर्ड का मीनिंग, अगर किसी को आता हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। कैवलकेड का हिंदी में मतलब होता है ना शोभा यात्रा या सवारी गाड़ी। क्या मतलब होता है शोभा यात्रा या सवारी गाड़ी को हम लोग बोलते हैं कैवलकेड। कैवलकेड या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑन हॉर्सेस, बहुत ज्यादा लोग ना हार्स से आ रहे हो कहीं, आर इन बिकॉज देट आर मूविंग अलॉन्ग इन लाइन इज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी एंड सेलिब्रेशन। किसी सेरेमनी में या किसी सेलिब्रेशन में सब लोग जो है, हाँ प्रोसेशन बोलते हैं इसको, प्रोसेशन, जुलूस, देखो जुलूस, हाँ जुलूस कह सकते हो इसका सिनोनिम्स, जुलूस हो सकता है, ठीक है। कैवलकेड नाउन की तरह इसका यूज होता है, नाउन की तरह, और पूरा सिनोनिम्स यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसेशन, प्रीमेडिटेशन, कारकेड, प्रोसेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे केवल कार्ड, केवल केड से आपको क्या दिख रहा है, केवल कार्ड, तो केवल कार्ड वाले आएंगे केवल केड में, है ना, केवल कार्ड वाले ही आएंगे केवल केड में, ठीक है। जिसके पास कार्ड है उन्हीं लोगों को जो है, उन्हीं लोगों को हम इसमें अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो अभी तक पढ़े सी वर्ड में, एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को याद हुआ कि नहीं याद हुआ, फटाफट सब लोग जो है बता दो मुझे कि सबको याद हुआ कि नहीं। चलिए चलो फटाफट सब लोग बता दो इसको, जो जो अभी आज आप लोग पढ़े हो। एक वर्ड है, जल्दी जल्दी जो भी मीनिंग लिखेगा ना इंग्लिश मीनिंग के साथ लिखेगा, ठीक है, जो भी मीनिंग लिखेगा इंग्लिश मीनिंग के साथ लिखेगा। जल्दी जल्दी सब लोग बताते चलो, जल्दी जल्दी फटाफट 2 मिनट के अंदर इसको बताना है आप लोगों को।
फटाफट सब लोग जल्दी जल्दी लिखते हुए चलो बिना डिले किए। जल्दी जल्दी सब लोग लिख दो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सब लोग लिखते हुए चलेंगे। जल्दी जल्दी सब लोग लिखते हुए आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए फूड सवारी कैटरेक्ट आई डिजीज, बिल्कुल सही लिखा भाई, कैटरेक्ट आई डिजीज को बोलते हैं। चलो और बताओ भाई, वंशिका ने बताया कैटरेक्ट आई डिजीज को बोलते हैं, और बता दो फटाफट सब लोग और बता दो। चलो ये तो वंशिका ने बता दिया, मैंने लिख लिया वी। जल्दी जल्दी बता दो, टाइम ना वेस्ट करो सब लोग, विदाउट वेस्ट एनी टाइम क्विक आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए। कैटागोरिकल स्पष्ट, बिल्कुल सही लिखा, कैटागोरिकल स्पष्ट होता है, कैटागोरिकल स्पष्ट होता है, इसको बताया विपिन जी ने। सब वी वर्ड वर्ड अभी आगे जा रहे हैं, और बता दो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट बता दो आप लोग। देखो इस तरह से पढ़ने पे भी अगर आप लोगों के वर्ड नहीं बन रहे ना, फिर बहुत कष्ट की बात हो जाएगी, है ना। एक एक वर्ड ना, अगर कोई सिक्स स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है ना, तो उसको भी न्यूज़पेपर पढ़ना, कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स के क्वेश्चन आँख बंद करके बना सकता है, जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हो। टू फिल द होल, बिल्कुल सही लिखा विपिन जी ने, कॉक, टू फिल द होल विपिन ने बताया। वंशिका कौन सा बता रही हैं, कास्टिगेट, दंड देना होता है। कैटागोरिकल भी बताया वंशिका ने, कास्टिगेट, दंड देना होता है विपिन ने बताया। सब लोग बताएंगे कैटापुल्ट, लॉन्च करना, गजानंद जी ने बताया इसको कैटापुल्ट, लॉन्च करना, गजानंद ने बताया इसको। और बता दो भाई सब लोग, डिले ना करो, थोड़ा तेजी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, अभी तो पढ़ाया इसको, है ना। अभी आपको पढ़ाया तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी बता दो सब लोग। एस में एक वर्ड आप लोग बता दो, सरली का मतलब क्या होता है, और सांटर, जो एस वर्ड पढ़े हो फटाफट बता दें, सरली, सांटर और सबेटिकल। चलो अच्छा इतना ही बता दो आप लोग, चलो बहुत हो गया आज का, बता दो फटाफट सब लोग बिना डिले किए। देखो कार्प वर्ड अभी कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, एक बार ना जाके घर पे कहीं लिख लिया करो, अभी दो दिन बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, फिर लिखना आप लोग, है ना। कर्नल, फिजिकल, बिल्कुल सही लिखा विपिन ने। लस्ट कल बताया था, एमोरस बताया था इसका, तीन चार वर्ड बताया था, है ना, बिल्कुल सही लिखा। फिजिकल होता है, लस्ट होता है, एमोरस होता है, लसेबियस होता है, सारे वर्ड कल मैंने बताए थे कर्नल के। इतना डिले क्यों लग रहा है, इतने लोग मिलके इतना डिले लगा रहे हैं। कार्प का मतलब क्या होता है, कार्प का क्यों नहीं आ रहा सबको, कारपेंटर की बात को कार्प करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना शिकायत करना, कार्प करना, है ना, किसी को छोटी छोटी बातों पे कार्प करना होता है, ठीक है। सब लोग जो है इसको जाके पढ़ लेंगे, और जो रेगुलर क्लास लिए हैं उनसे वॉइस के क्वेश्चन में बीच बीच में पूछता रहूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं आपने पढ़ लिया सब भूल जाओ, लास्ट के पांच मिनट में पूछूंगा जरूर। काक, सील करना, बिल्कुल सही लिखा, काक का मतलब होता है सील करना। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर हो रही है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है एक भी वर्ड ऐसा ना हो कि आप लोगों को ना मेमोराइज हो। खूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी तब सब्सक्राइब ना किए हो अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स व्यूअर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।